तो गाइज अभी सुबह का जो है 9 बज गया है और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। हम लोग जाएंगे चौक पर। आज जो है हम लोग का फिर से जो है भाठा लगेगा, जो बर्तन होता है मिट्टी का, वो आज पकेगा फिर से। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। देखिए कौन कौन जा रहा है, आप सबको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सब कोई चौक पे ही जाएगा, घर पे तो कोई रहेगा नहीं। और दूजन है जो एग्ज़ाम देने जाएगा लोग, छोटा भाई। और अभी हम मोटरसाइकिल के पास है, इधर देखिए बाइक के पास वेट कर रहे हैं। माँ भी आ रही है और राजेश, सब कोई जो है चलेगा। तो अभी हम वेट कर रहे हैं और चलिए चौक पर मिलेंगे आप लोगों से। तो दोस्तों फाइनली देखिए इधर राजेश भी खाना खा लिया और माँ भी रेडी हो गई है, तो अभी हम लोग चलेंगे चौक पे। हाँ तो जुटा है दोस्तों, इसलिए हम बाय बाय हेलो गाइज नहीं कर रहे, कैसे कि थोड़ा इसमें दिखेगा, आप लोग समझ जाइएगा। तो चलिए अभी चलते हैं चौक पे, चला जाए। चलिए दो अभी बाइक निकालते हैं और चलते हैं लोग। तो फाइनली दोस्तों अभी देखिए चौक पे हम लोग पहुँचे हैं। उधर बाहर बर्तन निकला रहा है आग लगाने के लिए और किधर से निकला रहा है कि घर में से, देखिए घर में से जो है बर्तन है सब जो है आज आवा लगेगा भाठा और पकेगा। और कल जो है निकला है भाठा में से, देखिए उधर है और ये जो है आज लगेगा नदिया। इधर माँ है, उधर घास है, देखिए तो आज जो है भाठा लगेगा फाइनली। गाइज अभी देखिए सारा बर्तन जो है निकला गया, यहाँ से देखिए यहाँ तक इधर पूरा देख सकते हैं, पूरा जो है बर्तन निकला गया। और अभी जो है गाइज बारिश आ जाए तो इसमें से एक भी बचा नहीं सकते हम लोग, पूरा का पूरा गल जाएगा। अगर एक बाइक आ जाए तो धीरे धीरे रुक के आएगा तब तो रख देंगे, लेकिन अगर एक बाइक आ जाए तो इसमें से कोई बच नहीं सकता, पूरा का पूरा ही गल जाएगा। देखिए यहाँ से वहाँ तक जो है बर्तन है, आज जो है भाठा लगेगा और इसको पकाया जाएगा, इसलिए जो है सब कोई आज इकट्ठा हुआ है, गोटा हुआ है। तो धूपधानी है, देखिए इसका पैसा है, देखिए डिजाइन में बनाया गया है और ये धूपधानी है। तो चलिए अभी जो है इसको रंगते हैं और फिर आवा लगाने का जो है प्रक्रिया उसको चालू करते हैं, क्योंकि बारिश का कोई लिमिट नहीं है कब आ जाएगा, तो इसलिए जो है इसमें आवा लगा रहे हैं फटाफट। देखिए अभी आवा लगाना फाइनली स्टार्ट हो गया। इधर देख रहे हैं कि चीलम रंग रहा है, चीलम छाप जिंदा बंदूक फटे। ये देखिए चीलम बंदूक है, चीलम देखिए बंदूक, इधर आवा लग रहा है, पिस्टल है। तो दोस्तों अभी जो है पूरा बर्तन जो है भाठा में लग गया, यहाँ पे देखिए पूरा जो है गोटा हो गया एकदम एक जगह। और यहाँ पे देखिए दियरी बाकी है, तो अभी दियरी उजड़ा रहा है, छोटा छोटा जो है दियरी है ही। दशहरा में बाद में देखिए पूरा द्वार जो है खाली होगा, खाली बचा है खपरी। धूप जो है अभी निकल गया, अभी अभी लग रहा था बारिश आएगा, जिसके कारण हम लोग फटाफट जो है रख दिए हैं हवा में बर्तन। देखिए इतना बढ़िया से जो है सजा के रख दिए हैं लोग, यहाँ पे देखिए पूरा जो है बढ़िया तरह से सजा के रख दिया गया है। अभी खाली कढ़ाई बाकी है, अब बारिश तो कभी मौसम हो रहा है बारिश की तरह, कभी धूप निकल रहा है, अभी जैसे कि धूप निकला है। अभी कुछ देर में बारिश आएगा, जिस तरह मौसम दिख रहा है बापू बाप, बारिश आएगा तो नहाया जाएगा। तो दोस्तों फाइनली अभी जो है आवाज़ लग गया और देखिए इधर जो आवाज़ झोंकाने लगा, पकने लगा, लेवरा भी गया है। अब जो है आवा पकेगा, यानी कि बर्तन मिट्टी का बर्तन है जिसमें पक जाएगा। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, आप सबको यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। एंड दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना, और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप फॉलो कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।